नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों पर। लालू यादव बोले, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से राजद का गठबंधन तेज प्रताप के लिए कहा रास्ते पर लाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, वीर सावरकर और सुषमा स्वराज पर रखे जाएंगे नए कॉलेज के नाम। धोखाधड़ी मामले में किरण गोसावी के खिलाफ मामला दर्ज, 3 लोगों को नौकरी का दिया था झांसा। मंदिर में तोड़फोड़ और एबीवीपी नेता पर हमला, लक्ष्मीपुर और कैलाश में धारा 144 लागू। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा हुए हैं, अब अपने घर मन्नत पहुंचे। चारधाम परियोजना में चीन सीमा तक सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट से बोला केंद्र। बीजेपी ने ट्विटर पर गिनाए ममता बनर्जी के झूठ, पूछा अब बंगाल की बेटी नहीं है। शिमला एमसी बैठक में हंगामा, सिमेट्री डली टनल के निर्माण के लिए दी गई एनओसी। भाजपा कार्यालयों से हटेगा महामंत्रियों का डेरा, संगठन को मुस्तैद करने की कवायद हुई तेज। एनआईए ने आतंकी संगठन के संदिग्ध सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले, G20 को WHO को फंड बढ़ाने की मदद करने की जरूरत है। रात के अंधेरे में लालू यादव से मिले बिहार भाजपा के बड़े नेता, राबड़ी आवास पर तेजस्वी और शिवानंद भी रहे मौजूद। बिहार में छठ के लिए कोविड गाइडलाइंस हुई जारी, पूर्व में हुए हादसों को देखकर उठाए गए हैं बड़े कदम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बोली, पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं। भाजपा पर पीके के बयान से ममता ने किया किनारा, कहा आप उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछते। सरकार का वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, हरित पटाखों की मिली अनुमति। यूपी में नई यूनिक आईडी से पहचानी जाएंगी गौमाता, 2 करोड़ गायों में लगेगी माइक्रोचिप। रेल राजस्व में सेंधमारी की सूचना पर विजिलेंस ने खंगाला पार्सल, वाराणसी में टीम की धमक से रेल कर्मियों में बेचैनी। बदायूं में रिटायर्ड सूबेदार के घर पर 40 लाख की चोरी, पत्नी का अंतिम संस्कार करने गया था गांव। लखनऊ में सस्ती सब्जी बेचेगा नगर निगम, सभी जोनल अधिकारी करेंगे निगरानी। अली
अलीगढ़ में प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, शराब के ठेकों पर चलाया गया अभियान। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट के पास मोबाइल व्यापारी से हुई लूट, व्यापारी से स्कूटी व नकदी लूटकर आरोपी फरार। चंदौली में कार्यों की जांच करने पहुंचे अधिकारी, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में बड़े नालों की पुलिया नहीं बनी, क्षेत्र की जनता परेशान। चित्रकूट में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 5,50,000 का इनामी बदमाश किया गया गिरफ्तार। सहारनपुर में प्रगतिशील समाजवादी परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंचे आदित्य यादव, यात्रा के दौरान भाजपा पर बरसे आदित्य यादव। शाहजहांपुर में बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन, कल्पना मिश्रा ने सम्मेलन की शुरुआत की। संभल में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक आरोपी किया गया है गिरफ्तार। संभल परी मूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले हो रही है शूटिंग, हरि बाबा बांध धाम पर हो रही है शूटिंग। उन्नाव में मासूम बच्ची का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। आगरा में घर के बाहर सो रहे युवक को मारी गई गोली, पुरानी रंजिश में गोली मारने का लगा आरोप। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, दोस्त के साथ घर से निकला था युवक। आगरा में परिवहन निगम के कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे छुट्टी, 11 नवंबर तक नहीं मिलेंगे कर्मचारियों को आवास। औरैया में नोडल अधिकारी ने वार्डों का लिया जायजा, सीएचसी में जाना स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल। बुलंदशहर में पुलिस ने दर्ज नहीं की हत्या की शिकायत, एसएसपी ऑफिस पहुंचे युवती के परिजन। फतेहपुर में शिक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने संभाला मोर्चा, प्राथमिक विद्यालयों में अधिकारी देंगे नैतिक शिक्षा का ज्ञान। रायबरेली में पटाखों का लाइसेंस पाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से मिलेगा लाइसेंस। रायबरेली में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपा नेता, सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे भाजपा नेता संतोष पांडे। आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी हुए घायल। आगरा में दबंग युवकों की दबंगई से इलाके में दहशत, दबंगों में बिल्कुल भी नहीं है पुलिस का खौफ, दो युवकों के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ाओ अभियान जारी, भाजपा तथा बसपा के बाकी 7 विधायक सपा में हुए शामिल।
सहारनपुर में प्रसपा महासचिव आदित्य यादव बोले, प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है कानून व्यवस्था। प्रतापगढ़ में विधायक के करीबी के ठेके से निकली नकली शराब, विधायक का थाना प्रांगण में जमकर हंगामा। बाढ़ प्रभावित किसानों को दोबारा मुआवजा देगी योगी सरकार, 48 करोड़ की सहायता राशि की गई जारी। मऊ में 4000 बुनकरों को मिलेगा बिजली छूट का लाभ, सर्वे करने में जुटी है आधा दर्जन टीमें। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में लॉन्च किए घसियारी योजना, बोले फिर पूर्ण बहुमत से बना रही है सरकार। धामी कैबिनेट के मंत्री यतीश्वरानंद को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस। करोड़ों के घोटाले के आरोप में फंसे जिला पंचायत अध्यक्ष, हाईकोर्ट के एक्शन से बढ़ सकती है मुश्किलें। गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाने घंटाघर पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में गैंडों का संसार बसाने को केंद्र पर टिकी निगाहें, एनटीसीए को भेजे हैं पत्र। विधिक माप विज्ञान विभाग ने ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाली दो कंपनियों से वसूला 1.25 लाख रुपए का जुर्माना। देवभूमि से शाह ने कांग्रेस को दी चुनौती, किसी भी चौराहे पर कर दिखाए अपनी सरकार के किए गए कामों की चर्चा। नैनीताल में दिवाली से टूटेगा पर्यटकों का सन्नाटा, आपदा को लेकर फोटो वीडियो वायरल होने से पहुंच रहा है नुकसान। चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का एक माह हुआ पूरा, सभी तहसील मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विपक्षी दलों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ उठाई आवाज, शोषण का लगाया आरोप। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा हुआ बुलंद, दुलम के ग्रामीणों ने पिंडारी मोटर मार्ग के बोलियोड़ा को किया जाम। देहरादून में बढ़ रहे ठगी के मामले, विवादित जमीन बेचकर हड़पे 10 लाख, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा। अल्मोड़ा में जली कार में शव के पास मिले गंभीर घायल की भी हुई मौत, हादसा या हत्या की जांच में जुटी पुलिस। अब आर पार लड़ेगा देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ, 8 दिन में 3 कर्मचारियों को अनशन से उठा चुकी है पुलिस। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री और विधायकों से मांगा विकास कार्य का ब्यौरा। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर को एफडीए की मंजूरी। अमेरिका ने कहा ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबंध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को लेकर जताई चिंता।
सेना प्रमुख बाजवा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर आलोचना करना, पूर्व मेजर जनरल के बेटे को पड़ा भारी हुई जे। ट्रेड्रोस का दूसरी बार डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक बनना तय, 28 देशों का मिला समर्थन। मुश्किलों में इमरान खान, टीएलपी के साथ नहीं बनी सरकार की बात, इस्लामाबाद मार्च जारी। वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाएगा इजराइल, 3000 घरों का होगा निर्माण। हिलेरी क्लिंटन की सहयोगी का सनसनीखेज बयान, सांसद पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सुनाई अपीली। इटली के प्रधानमंत्री से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व आपसी हितों के मुद्दों पर की चर्चा। चीन ने भेजी खराब खाद तो श्रीलंका ने रद्द किया सौदा, भारत से शुरू किया खाद का आयात। पीएसपी के चेयरमैन और कराची के पूर्व मेयर मुस्तफा कमाल ने इमरान पर साधा निशाना, कहा मनमाने तरीके से चल रहा है देश। आरबीआई ने निर्देशों का पालन न करने पर नैनीताल बैंक पर लगाया है 56 लाख रुपए का जुर्माना। किशोर बियानी के रिलायंस से डील को फिर लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को दिवाली से पहले मिली है खुशखबरी, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज के दर को किया मंजूर। सरकारी बीमा कंपनियों के बिजनेस को बड़ा नुकसान, मार्केट में नहीं जमा पा रही पैर। आरबीआई ने करंट अकाउंट के नियमों में दी ढील, कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलेगी राहत। अडानी ग्रुप ने फ्लिपकार्ट की कंपनी क्लियर ट्रिप में खरीदी हिस्सेदारी। भारत में इस साल मनेगी स्वदेशी दिवाली, कैट का अनुमान, चीन को लगेगा बड़ा झटका। भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, 8 कोर उद्योगों की रफ्तार में आई तेजी। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट, सप्लाई चेन प्रभावित होने से एप्पल को नुकसान। विदेशी मुद्रा भंडार में आई 90.8 करोड़ डॉलर की कमी। विराट कोहली से भी तेज निकले बाबर आजम, टी20 में बतौर कप्तान बना डाला बड़ा रिकॉर्ड। पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के दौरान मचा हंगामा, अफगान समर्थकों ने जमकर काटा बवाल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दी बात, 5 विकेट से जीता मुकाबला।
रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रनों से हराया। सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुआ बांग्लादेश। वार्नर नहीं बन पाए रोनाल्डो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बोतलें हटाई, आईसीसी के कहने पर वापस रखनी पड़ी। मुरलीधरन की टीम इंडिया को सलाह, बुमराह पर ना रहे ज्यादा निर्भर। राशिद खान ने T20 में रचा इतिहास, दिग्गज लसित मलंगा का रिकॉर्ड तोड़ा। आसिफ अली ने जड़े 19 गेंदों पर 7 छक्के, बेन स्टोक्स बोले नाम याद रखना हरभजन। इरफान पठान भी मुरे। सीबीसी कैपिटल की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीसीसीआई ने शुरू की जांच। वर्ल्ड कप पर बड़ी भविष्यवाणी, पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड खेलेगी फाइनल, भारत का नाम नहीं शामिल। आर्यन खान की जमानत पर खुश हुए शाहरुख खान, बेटे के स्वागत में मन्नत को बनाया दुल्हन। साउथ एक्टर पुनीत राजकुमार के निधन के बाद बड़ा फैसला, बेंगलुरु में बैन हुई शराब, नहीं खोलेंगे बार और रेस्टोरेंट। निमकी मुखिया के तीतर सिंह पटना में गिरफ्तार, पहली पत्नी के रहते दूसरी युवती से रचाई थी शादी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब ओटीटी पर नहीं करेंगे कोई शो, बोले बन गया है डंपिंग ग्राउंड। सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के निधन से सदमे में फैंस, एक ने की आत्महत्या, 2 की हार्ट अटैक से हुई मौत। अभिनेता यूसुफ हुसैन ने दुनिया को कहा अलविदा, हंसल मेहता बोले अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कैंसर के इलाज के बीच किरण खेर कर सकती है टीवी पर वापसी, शिल्पा शेट्टी और बादशाह के संग बनेंगे जज। आर्यन खान को जमानत मिलने से खुश हैं जूही चावला, बोली ये हर किसी के लिए बड़ी राहत की बात है। मान्यता दत्त ने लिया 2.5 लाख का बैग, पहनी 74,000 की चप्पल, लोगों की हैरानी का सबब बनी ड्रेस। अक्षय कुमार ने जैकलीन फर्नांडिस को दिया दिल, मेरे 11 गाने पर दोनों ने की मस्ती। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।